नमस्कार। आज इस हथेली का आगे का विश्लेषण करेंगे। कल हमने बात की थी उंगलियों के बारे में और आज बात करेंगे जो हथेली पर पर्वत उभर रहे हैं ना, वो जातक का स्वभाव कैसा बनाते हैं। केवल पर्वतों के उभार और विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो करते हैं शुरुआत इस लिटिल फिंगर के नीचे। ये बुध पर्वत वेल डेवलप्ड है। जब बुध अच्छा होता है तो जातक को अच्छा दिमाग देता है, तेज दिमाग। ऐसे लोग अपनी बातों को बिल्कुल स्पष्ट दूसरों के सामने बोल देते हैं, इस कला में माहिर होते हैं। दूसरे इनको चैलेंज बड़े अच्छे लगते हैं, चुनौतियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं इन लोगों को। और इनके पास बड़ा इनोवेटिव दिमाग होता है। और सबसे बड़ी खास बात, सब जो मरकरी होते हैं इनका बुध पर बहुत अच्छा होता है, उन सब के अंदर एक विशेषता पाई जाती है कि उनके आसपास अपने आप को सेंटर में रखते हैं। उनके आसपास क्या चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, इसको जानने की बड़ी इच्छा रहती है। मतलब परिवार में क्या चल रहा है, मोहल्ले में क्या चल रहा है, कॉलोनी में क्या चल रहा है, जिले में क्या चल रहा है, स्टेट में क्या चल रहा है, नेशनल इंटरनेशनल सब बातों की जानने की बड़ी इच्छा रहती है इन लोगों की। और साथ में ना प्यार से भरपूर होते हैं, अच्छे दोस्त साबित होते हैं, अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं, साथ में अच्छे पिता भी साबित होते हैं। ये है बुध पर्वत। आगे चलिए, ये सूर्य पर्वत। हल्का थोड़ा डिप्रेस है लेकिन उंगली लंबी है ना, इसको वेल डेवलप कर दिया। क्या दिखाता है ये, संपन्नता, सफलता, व्यापार या कला का रुझान, साथ में मान सम्मान और यश और प्रसिद्धि। ऐसे जातक ना बड़े जोशीले होते हैं, कला प्रेमी भी होते हैं। और जहाँ तक सफलता की बात है तो सफलता केवल ये फाइनेंशियल ट्रम्प से ही तोलते हैं और कई बार पैसों के मामले में बड़े श्यूड हो जाते हैं। श्यूड तो कहना ठीक नहीं, हाथ थोड़ा एक्स्ट्रा प्रूडेंट और कॉशियस हो जाते हैं। हाँ, इन लोगों को गुस्सा ही बहुत जल्दी आता है, लेकिन गुस्सा निकालते ही ये सब बातें भूल जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। डेक्स्टर होते हैं, ऑलराउंडर, कई काम कर सकते हैं, साथ में बड़े अडेप्टेबल होते हैं, हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेंगे, किसी भी परिस्थिति में अंदर घुस जाएंगे और जल्द ही अपनी प्रेजेंस को महसूस करा देंगे। लोग इन्हें इग्नोर कर ही नहीं सकते। हाँ, एक कमी और होती है, एक शॉर्ट टेम्पर्ड। दूसरी कमी, कई बार चीज़ों को ना बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं। आगे चलिए, ये शनि पर्वत थोड़ा सा वेल डेवलप्ड से कम है। तो जातक को उतना धन नहीं मिल पाता अपेक्षित, जितना वह डिजर्व करता है, उल्टा संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, ये पर्वत दिखा रहा है कि जातक बहुत ही जिम्मेदार है,
मेहनती भी है लेकिन ज़्यादातर ना उदास रहता है, निराश रहता है, हताश रहता है, अकेले रहने की बड़ी इच्छा होती है जातक की। मेहनती होते हैं, अच्छी विशेषताएं होती हैं, लोग इन्हें प्यार भी करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ना प्यार लौटाना नहीं आता। हाउ टू रिपे बैक द अफेक्शनेट फीलिंग्स ऑफ अदर्स, ये दिक्कत इनको बहुत होती है। वैसे न्याय का राजा है शनि, भाग्यशाली बनाता है, रोजगार देता है, धन देता है, साथ में ऑकल्ट साइंस के प्रति धार्मिकता, मतलब कौन सी वाली धार्मिकता, ऑकल्ट वाली, वहाँ पे इंटरेस्ट देता है, दर्शन में इंटरेस्ट देता है। जहाँ तक अक्सर उदास, निराश, हताश रहता है, एकांतवास पसंद करता है। आगे चलिए, गुरु ये भी अच्छा है, अच्छी जगह घेर रहा है, ऐसे लोगों को ना सुनना पसंद नहीं होता, या आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उल्टा इन्हें दूसरों को सुनाने की आदत होती है। लेकिन वास्तव में ये लोग ना बड़े चरित्रवान और ज्ञानवान होते हैं। कौन सा ज्ञान? धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षिक, इनके पास लीडरशिप क्वालिटीज भी होती है। अच्छा ज्ञान है ना, दूसरों को बांटेंगे, उनका मार्गनिर्देशन करेंगे, मतलब गाइड करेंगे, तो लीडरशिप क्वालिटी अच्छी हो गई। साथ में गुरु पर्वत संपन्नता भी देता है, साथ में हाई पोस्ट भी देता है, साथ में डोमेस्टिक हैप्पीनेस भी देता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका अच्छा होना। जातक ना नेचुरल लीडर होता है, पॉलिटिकल लीडर नहीं, और किसी परिस्थिति में अंदर घुसेगा और पूरी कमांड अपने हाथ में ले लेगा। इन लोगों की पहचान, बड़े मेहनती होते हैं और बड़े ही इंटेलिजेंट होते हैं, और अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए सभी तरह की मेहनत करने को हमेशा तैयार रहते हैं। अब देखिए ये बुध के नीचे ये लाल जो है ये है डिफेंसिव मार्स, अच्छा है। ऐसे जातक ना मानसिक रूप से बड़े मजबूत होते हैं, विपरीत परिस्थिति में घबराते नहीं हैं, क्योंकि ये मॉरली बड़े करेजियस होते हैं, साहसी, साथ में धीरज भी अपार होता है। तो कोई भी विषम परिस्थिति आ जाए, कोई भी विपदा संकट आ जाए, अपने लेवल पर उसे निबटते हैं। और एक और खास बात, यारों के यार होते हैं ये, उनको कंफर्टेबल बनाने के लिए सब प्रयास करते हैं, बड़े गर्मजोशी से स्वागत करते हैं उनका, उनको लिए स्टैंड लेते हैं, उन्हें डिफेंड भी करते हैं और हर तरह की मदद करने की कोशिश भी करते हैं। मतलब दिमागी रूप से आदमी बहुत मजबूत और यारों का यार। आगे चलिए, जो ट्रायंगल शेप्ड मंगल है ये एग्रेसिव मार्स, वेल डेवलप्ड, दिखाया जातक के पास में सेहत अच्छी होगी। डिफेंसिव मार्स मानसिक मजबूती, एग्रेसिव मार्स शारीरिक मजबूती, शारीरिक ऊर्जा अच्छी है, स्टेमिना अच्छा है, वाइटलिटी अच्छी है, अच्छी सेहत, निडर, बहादुर, वीर, एक योद्धा की तरह से सामना करता रहता है, कभी गिव अप नहीं करता, कभी प्लान नहीं करता।
ऐसे लोग ना बड़े खुददार भी होते हैं स्वाभिमानी, और साथ में बहुत बड़े दिल वाले भी होते हैं। सेहत तो अच्छी होगी होगी। अब माइनस पॉइंट क्या होता है कि जब चीज़ें अनुकूल ना हो, अपने अकॉर्डिंग ना हो रही हो, तो ऐसे लोगों को गुस्सा भी आ जाता है, साथ में इरिटेट हो जाते हैं, फ्यूरियस, डिसअपॉइंटेड, साथ में एग्रेसिव भी हो सकते हैं, इवन वायलेंट भी हो सकते हैं ऐसे लोग। ये इनका माइनस पॉइंट। आगे चलिए, अब इनका ये पीला चंद्र पर्वत बहुत ही अच्छा है, दिखा रहा है कि जहाँ तक ना धार्मिक होगा पक्का पक्का। आगे चलिए, खूब कल्पना करने वाला होगा और इनके अंदर व्याकुलता रहती है कुछ परिवर्तन करने की। कई बार स्थान परिवर्तन यात्रा कराता है, कई बार अजीब सी व्याकुलता रहती है, बेचैनी इन लोगों को रहती है परिवर्तन करने की, कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे, अपना खूब करेंगे, यात्रा खूब करेंगे। सोच बड़ी शानदार होती है, रिफाइन सोच, अनोखे आइडियाज होते हैं, कल्पना करते हैं ना, नए नए आइडियाज लेके आते हैं, अद्भुत आइडियाज। साथ में इनकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है ना, बड़ी शानदार होती है, और इनकी जो खरीदारी करने की, शॉपिंग करने की एबिलिटी है, वो भी गजब की होती है। कला प्रेमी होते हैं, संगीत से प्यार होता है, कला से प्यार होता है, सौंदर्य से प्यार होता है, कलाकार टाइप होते हैं। और देखिए जो हथेली है ना, ये एक्सट्रीम लेफ्ट जो एज है, यहाँ से काफ़ी कर्व ले रही है। ऐसे लोग कला प्रेमी तो होते ही हैं पक्का पक्का, तो ये लोग कला प्रेमी भी होते हैं। साथ में ये लोग थोड़े एपिक्यूरियन होते हैं, मतलब रुचियाँ बड़ी शानदार होती हैं। काहे की रुचियाँ? चीज़ों को पसंद करने की, पसंद लाजवाब होती है। साथ में चंद्र ग्रह को वाटर एलिमेंट मानते हैं, तो ऐसे आदमी को ना पानी से बड़ा लगाव रहेगा, खूब पानी पिएगा। साथ में चंद्रमा का रंग होता है ना ऑफ वाइट क्रीमिश, ऐसे रंग, सफ़ेद रंग, ये बड़े इनको आकर्षित करते हैं। खाने में यही रंग क्रीमिश या वाइट, दूध या दूध से बनी चीज़ें, खासकर लिक्विड, पनीर, दही, लस्सी, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं इन लोगों को। आगे चलिए, ये इनका शुक्र पर्वत वेल डेवलप्ड, ये दिखाता है को बोलते हैं भोगों का राजा। क्या भोगेगा आदमी? कंफर्ट, प्लेजर, लग्जरी। कहाँ से आएगी? प्रॉस्पेरिटी से। प्रॉस्पेरिटी कहाँ से आएगी? पैसे से। तो ऐसे जातों के पास है पैसा तो होता ही है, प्रॉस्पेरिटी तो होती ही है, कंफर्ट और प्लेजर तो होते ही हैं। परिवार सुख होगा, वाहन सुख होगा, भवन सुख होगा, लेकिन भोगों का राजा है। कला प्रेमी होते हैं, सौंदर्य प्रेमी, प्रकृति प्रेमी और जो भी कला है, लेकिन यहाँ पर ना जो प्रेम है ना, कला प्रेम, वो लव के बजाय लस्ट बन जाता है बस। और इन लोगों को ना सजने संवरने का बड़ा शौक होता है, खूब सहयोग मिलता है परिवार का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का। दोस्त बहुत सारे होते हैं, एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है, औरों को भी तरफ खींचती है, खासकर महिलाओं में बहुत लोकप्रिय होते हैं। और एक खास बात, सजने संवरने का शौक तो होगा ही,
साथ में इनके पास जो हेल्थ, मतलब अंदर वाली हेल्थ, जीवन ऊर्जा बड़ी शानदार होती है, इम्यूनिटी पावर, अंदरूनी ऊर्जा, दिखाए वाली नहीं, अंदर की ऊर्जा, जिगरा, सेहत वाली सेहत अच्छी होती है, जो पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करती है, वो वाली ऊर्जा अच्छी होती है इन लोगों के हाथ में। और अगर बात की जाए व्यवसाय की, तो ऐसे व्यवसाय करने चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो किस चीज़ की सुंदरता को बढ़ाए, कॉस्मेटिक आइटम्स, कपड़ा भी इसमें आ गया, हजारों तरह के फील्ड हैं। और खासकर ये लोग ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बड़े सफल होते हैं, हैंडराइटिंग भी अक्सर अच्छी होती है इन लोगों की, तो ये इनका शुक्र। अब देखिए ये बीच में राहु, ये तकरीबन 25 के आसपास से लेकर 35 तक इस अवधि पर चोट करता है या हेल्प सपोर्ट करता है, सफलता दिलाता है, जिंदगी का पीक पॉइंट इसके हाथ में होता है। राहु देता क्या है? कंसंट्रेशन, इंटेलिजेंस, साथ में सडननेस, जो भी होगा अचानक होगा, अगर अच्छा है, अच्छा मतलब बीच में से थोड़ा फ्लैट, ना उभरा ना गहरा, फ्लैट तो अच्छा है, तो जातक को जवानी में कम संघर्ष करना पड़ेगा, सफलता जल्दी मिल जाती है। तो ये ठीक ठाक है, तो जातक ने 25 से 35 के बीच अच्छी सफलता प्राप्त की होगी। आगे चलिए, ये केतु ठीक है, ये पूर्व जन्म से बिलोंग करता है कि पिछले जन्म में आदमी ने कैसे काम किए, अच्छे किए हैं तो अच्छा मिलेगा। दूसरा बचपन को रिप्रेजेंट करता है, बचपन टिक रहा होगा। तीसरा जातक को ना धार्मिकता की तरफ बड़ा रुझान होता है, तो मोक्ष, योग साधना, धार्मिक पूजा पाठ सब इनमें जातक की बड़ी रुचि होती है। तो ये कुछ पर्वत थे जिनके हम बारे में मैंने बात की, जो जातक का स्वभाव को बता रहे हैं। कल बात करेंगे इनके थम के बारे में और मुख्य रेखाओं के बारे में। जल्दी मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू वेरी सून, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।